देखेंगे वाचोवेगम का कुछ अगला पार्ट, फिर उसके बाद जाएंगे जिह्वा उदर उपस्थ वेग के बारे में चर्चा करने के लिए। ये बहुत जरूरी है हमारे वैष्णव समाज में, ये इसका पुस्तक से कुछ लेना देना नहीं ये टॉपिक का, ठीक है, ये एडिशनल चल रहा है जो चल रहा है। तो आपको नोट्स निकालने तो आप कहीं अन्य जगह निकाल सकते हो। तो हमने चर्चा की थी कि कितना महत्वपूर्ण है भक्त के लिए वाचो वेग पर नियंत्रण रखना, जिससे मनस और क्रोध के ऊपर भी धीरे धीरे नियंत्रण आ जाए। तो एक विशिष्ट संस्कृति हम प्रकट करते हैं जब भी हम बात करते हैं तब। जैसे आप देखते हो कभी किसी गांव में हम जाते हैं तो वहां के लोगों की भाषा सुन के ही समझ में आता है इनकी संस्कृति क्या है। तो इसीलिए खास करके भक्ति में आने के पश्चात अगर एक किसी विशिष्ट चीज पर ध्यान देना है या गुण का विकास करना है तो वह है कि हमारी वाणी की संस्कृति क्या है, कैसे हम बात करते हैं। भगवद्गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, शुरुआत ही उधर से होती है। देखिए भाषा क्या होती है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, बोलता कैसे है वो, हाउ डज ही स्पीक एंड वॉट इज हिज लैंग्वेज, हाँ किम प्रभाषेत। तो रूपा जी लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति का सिम्टम होता है जिसके द्वारा वो जाना जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज हाउ द मैन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस स्पीक्स, फॉर स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन। तो इसीलिए भक्त बनने के बाद बहुत सारी चीजें अगर हम कर भी नहीं सकते हैं तो कम से कम पहला इंस्ट्रक्शन वाचो वेगम, वाणी को सुसंस्कृत बनाना और उसे भगवान की सेवा में नियुक्त करना। तो हमारी जो संस्कृति होती है, हमारे विश्वास या हमारे हेतु, हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारा सामाजिक व्यवहार, इनको दर्शाने वाला एक चीज होती है कल्चर। और ये कल्चर जो होता है वो हर एक जिस चीज में आता है, संस्कृति क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, किन विचारधाराओं को और व्यवहार को अपनाते हैं, बात कैसे करते हैं, गीत वाद्य नृत्य नाट्य किस प्रकार के होते हैं। तो ये सारा जो है आर्किटेक्चर, सोशल डीलिंग्स, मैरिज, लाइफस्टाइल, इसके द्वारा संस्कृति प्रकट होती है। और इसीलिए कल्ट या कल्टस का अर्थ है टिलिंग, जैसे खेत को जोतते हैं ना उसको बोलते हैं कल्चर, या दूसरा अर्थ है केयरिंग, वनस्पति कोई उग रही है तो उसको केयर करते हैं कि वो ठीक से उगे, और तीसरा अर्थ है रिफाइनमेंट, मतलब शुद्ध करना और थोड़ा परिपक्व बनाना किसी चीज को, और चौथा अर्थ है वर्शिप, आराधना करना, किसी चीज को बहुत सराहना करना, उसको कहते हैं कल्चर। तो इसीलिए जैसे एग्रीकल्चर है ना अलग अलग जगह वो शब्द आता है, तो इसीलिए कभी कभी जो संस्कृति होती है वो एक सकारात्मक या संयुक्तिक वातावरण निर्मित कर सकती है जिसके द्वारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे पाए, और कभी कभी जो संस्कृति होती है वो नकारात्मक और बहुत ही दुरुपयोग की जाने वाली चीज हो सकती है जिसके द्वारा लोगों के आध्यात्मिक जीवन को खत्म किया जा सकता है। और खास करके इस्कॉन में ऐसा हुआ है कि केवल किसी भक्त के कुछ बोलने के कारण लोग भक्ति छोड़ के गए। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, कुछ तो बोल दिया तो फिर वो बोला छोड़ दो अभी मैं नहीं करने वाला कुछ। और इसीलिए और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी भक्त के किसी छोटे एनकरेजमेंट के कारण जिंदगी भर उसने भक्ति की है उस व्यक्ति ने। जैसे प्रभुपाद जी एक बार न्यू वृंदावन में बैठे थे कुछ भक्तों के साथ अपना दर्शन दे रहे थे, तो एक सूरज ढल गया तो अचानक ठंड बढ़ गई, तो वहां पर बहुत सारे भक्त थे, उनमें एक माता थी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, 20 साल की 25 साल की प्रभुपाद की शिष्या थी, तो वो ठंड के कारण थोड़ा कांपने लगी। तो गुरुबा जी ने वहां पर कुलाद्री गुरु बैठे थे, टेंपल प्रेसिडेंट थे, उनको बोला कि ये वैष्णव है
इसलिए ये कभी आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन आप लीडर हो तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि उसने बिना मांगे उसकी जरूरत को आपको पूरा करना चाहिए। और ऐसे शिक्षा के रूप में बोला, डांट के नहीं बोला वो प्रभा जी ने उनको। और वो माता जी पूरा उसने अपना जीवन, केवल प्रभुपाद ने मुझे कैसे प्रेम दिखाया उन कुछ शब्दों के द्वारा, उसके ऊपर उसने अपने पूरे भक्तिमय जीवन को चलाया अगले सारे कितने सालों तक। तो इसे कहते हैं कल्चर, कल्चर ऑफ स्पीच। तो क्रू करके शब्द है, क्रू मतलब करना, तो उससे आता है कृति। तो तीन होता है, प्रकृति, संस्कृति, विकृति। तो हम सबकी प्रकृति है ना, स्वभाव है अपना अपना। फिर उसके द्वारा उस स्वभाव को जब हम प्रकट करने निकलते हैं तो उसका जो प्रकटीकरण है उसको कभी संस्कृति कहा जाता है या विकृति कहा जाता है। तो संस्कृति किसको कहते हैं, जब हम अपने स्वभाव को सकारात्मक या शुद्ध रूप से प्रकट करते हैं चेतना के विकास के, खुद के और दूसरों के विकास के लिए, तो उसे कहते हैं संस्कृति। लेकिन इसी स्वभाव को जब हम प्रकट करते हैं कुछ गलत कार्य के लिए उसको कहते हैं विकृति। तो ऐसे खाने में होता है ना, खाने की अपनी प्रकृति होती है, संस्कृति होती है और विकृति होती है। ऐसे ही बात करने में भी होता है। तो ये क्यों जरूरी है संस्कृत बनना, सुसंस्कृत बनना, खास करके भाषा के द्वारा, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति को बहुत पोषक है। अगर हम एक दूसरे से जो बात करते हैं उसको सुसंस्कृत बनाते हैं तो अपने आप ही हमारा भक्ति पोषण अच्छा होता है। तो भगवान ने भगवद गीता में बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है, वाणी क्या उपयोग कैसे करना है उसके बारे में, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किधर करना है, उसका भी वर्णन मेरे पीछे दोहराइए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभिसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। वाणी का तप किसमें आता है, अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे शब्द कहो जो उद्वेग उत्पन्न ना करें लोगों के मन में। सत्यम, जो सत्य हो। प्रिय, जो लोगों को प्रिय लगे। हितम च, जो उनके हितकारी हो। और स्वाध्याय अभ्यसनम, नियमित रूप से वैदिक साहित्य का पठन या गान पाठ करना, स्वाध्याय अभ्यसनम, इसको वाङ्मयम् तप उच्यते, इसको वाणी का तप कहा जाता है। तो अनुद्वेगकरम, सत्यम, प्रिय, हितम एंड स्वाध्याय अभ्यसनम। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे वाणी को प्रस्तुत करें लोगों के समक्ष। और भी कुछ गुण हैं सात्विक वाणी के, कि वो नम्रता पूर्वक कही जाती हैं, किसी भौतिक अभिलाषा को मन में रख के नहीं बोला जाता है जो बोला जा रहा है, वो श्रद्धा पूर्वक बोला जाता है जो हम बोल रहे हैं, स्थल काल व्यक्ति परिस्थिति का भान रखकर उसके अनुरूप बोला जाता है। और पिछला जो गत काल था उसका और आगे फ्यूचर भविष्य में क्या हो सकता है इसका ध्यान रखते हुए हम बोलते हैं, और खास करके धर्म के अनुरूप होती है वो वाणी। और जब कोई बोलता है तो उसने उस व्यक्ति के जरूरतों को अच्छे से समझा है, उसके बारे में सोचा है, फिर वो बोल रहा है, ये भी प्रकट होता है। खास करके उस वाणी को सुनकर लोगों को आनंद लगता है, शांत स्वभाव रहकर उसको बोला जाता है उस वाणी को, और सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका भान रखते हुए कहा जाता है। और जब कोई गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं बोलते समय तो तुरंत वो कान में वो अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा लगता है कि सिग्नल थोड़ा गड़बड़ हो गया एंटेना। तो इसे कहते हैं
सात्विक वाणी, अभी देखेंगे राजसिक वाणी, रजोगुण से प्रभावित वाणी कैसी होती है, वो होता है बूस्टफुल स्पीच, बैरे जैसा कोई नहीं, मराठी तलांडे फुशार क्या मारने। दूसरा है बोल्ड स्पीच, उद्धट बोलना। तीसरा है आदर सम्मान पूजाला प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बोलना। चौथा है भौतिक कुछ लाभ प्राप्ति के लिए, भौतिक आनंद प्राप्ति के लिए बोलना। और इंटेंस इमोशंस, मतलब सब इंटेंस रहता है उस व्यक्ति का, क्रोध बहुत इंटेंस, हंसता है तो इतना हंसता है, रोता है तो इतना रोता है, गुस्सा करता है इतना गुस्सा करता है। तो ये सब क्या है, किसके लक्षण है, रजोगुण के लक्षण। और खास करके जो धर्म का या सही क्या है गलत क्या है उसका भान ना रखते हुए, शुद्धता का भान ना रखते हुए बोला जाता है, जैसे कोई वल्गर लैंग्वेज बोलते हैं। और कभी कभी जो व्यक्ति प्रभावशाली है या पैसे वाले हैं उनका कुछ फेवर प्राप्त करने के लिए बोला जाता है, वो कैसा है, रजोगुण का वाणी है। और आत्मा है रिडिक्यूलिंग, दूसरों को हीन लिखना अपने से कि तुम्हारे से क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता इत्यादि। तो ये सारे किसमें आते हैं, रजोगुण। फिर तमोगुण में क्या आता है, क्रोध, द्वेष, मूर्खता, भय, शोक, घृणा, दंभ, इसके कारण जो बोला जाता है। खास करके दूसरों को हर्ट करना, कितना ज्यादा तकलीफ अपने वाणी के द्वारा दूसरों को मैं दे पाऊंगा उसका, कभी कभी हम जानबूझ के ऐसे बोलते हैं कि पता ये हर्ट होएगा उसको सबसे ज्यादा, उसको ही बोलते हैं। और खास करके देश काल पात्र का ख्याल ना रखते हुए बोला जाता है कुछ भी। और आध्यात्मिक जो उपदेश है उनका स्मरण न रखते हुए बोला जाता है कुछ भी, संभ्रम में संभ्रम निर्माण करने वाला, असत्यवादी, दाम्भिक, अत्यंतिक दुख को प्रदान करने वाला, और बहुत ही ऐसे रफ लैंग्वेज, उसको क्या कहेंगे, अनपॉलिश्ड। और कभी कभी वो बोलने के बाद उस व्यक्ति को कुछ भी मन में पश्चाताप नहीं होता है कि मैंने क्या बोल दिया, उसको लगता है कि वो उसके लिए वो ठीक ही था जो बोल दिया मैंने, वो he deserved it। तो ये सब किसके लक्षण है, तमोगुण के लक्षण। तो इसीलिए भगवान जो बोल रहे हैं पांच आदेश, अनुद्वेग कर, सत्य प्रिय हितम और स्वाध्याय अभ्यसनम, इनको हम जितना पालन करेंगे अपने आप ही हमारी वाणी शुद्ध होती जाएगी, सात्विक होती जाएगी। तो बहुत सारे उदाहरण है, मैं इसमें जाऊंगा नहीं, महाभारत में, रामायण में, लेकिन संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि हम जो बोलने जा रहे हैं उसका उद्दिष्ट क्या है, क्या बोला जा रहा है और वो कैसे बोला जा रहा है। इतना कम से कम जब तक हमें क्लियर नहीं है तो हमें अपनी बड़बड़ को थोड़ा विराम देना चाहिए। तो ये इसका मतितार्थ था। तो वैष्णव समाज में खास करके ये जो वाणी के द्वारा हिंसा होती है ये बहुत ही भयंकर होती है। मन से तो अपराध करते ही हैं बहुत सारे हम, लेकिन खास करके जब बोलते हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए इसके बारे में सजग रहना जरूरी है। जो गाली देते हैं तो हाँ, तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण सब जगह रहता है ना, वो वैदिक टाइम हो या मॉडर्न टाइम हो, ऐसे नहीं कि तमोगुण नहीं होता। गांव में ना दो लेडीज
सही है, लेकिन कम से कम भक्त जब हम बनते हैं हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। और मैं कभी कभी लोगों को बोल ही देता हूँ अभी मेरा फ्यूज उड़ने वाला है थोड़ी देर के बाद, मुझे इसके बाद पता चले क्या मैं दौड़ करूंगा। तो अभी विराम देते हैं, इधर ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सच बोलते हैं तो वो गलत नतीजा निकलता है। जैसे वो कौशिकत की कथा है ना, एक कसाई था गाय के पीछे भाग रहा था, गाय कहाँ चली गई तो उसको दिख नहीं रहा था। उसने वो कौशिकत ऋषि को पूछा कि किधर गई गाय, तो कौशिकत ऋषि ने हमेशा मैं सत्य ही बोलूंगा उसका प्रण लेके रखा था। तो वो दुविधा में पड़ गए, धर्म संकट, बोलो कि इस दिशा में गई फिर मुझे भी थोड़ा उसका रिएक्शन आएगा कि वो गाय को मारने जा रहे हैं, और मैं नहीं बोलूंगा तो मैंने जो प्रण लेके रखा है वो मैं पालन नहीं कर रहा हूं। एक तो उन्होंने सत्यवादी करके बोल दिया वो कि ऐसे ऐसे उस दिशा में गई है करके, तो उनको अगले जन्म में ऐसा जन्म मिला जहां पर वो गाय किसी अन्य रूप में प्रकट हुई और उसके द्वारा इसकी हत्या हुई। शायद ऐसा कुछ तो कथा है कि वो पति बनते हैं, वो गाय पत्नी बनती है, और वो कसाई कोई पैरामोर क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो वो दोनों प्लान मिला के इसको मार देते हैं। तो उसको समझ में नहीं था मुझे क्यों मारा जा रहा, मैं तो अच्छा व्यक्ति था। तो फिर उसका हिस्ट्री निकाला जाता है पिछले लाइफ में क्या था तुम, तो तब उनको पता चलता है कि ये सच बोलने के कारण ही नतीजा निकला। तो सरल बात है, जो सत्य कहने से व्यक्ति परम सत्य की ओर अग्रसर हो वह सत्य बोलना ठीक है, जो सत्य बोलने से व्यक्ति परम सत्य से दूर चले जाए वो सत्य बोलना ठीक नहीं है। तो हम असत्य नहीं बोलते हैं, हम सापेक्ष सत्य बोलते हैं कभी कभी। जैसे मैं अगर जा रहा हूं, मंदिर ने मुझे 10,000 रुपए दिए, बोला थोड़ा ये रूम का सेटिंग करने के लिए एक पंखे लेके आओ, और किसी चोर ने आके मेरे पे चाकू लगाया, बोला ए कितना माल है निकाल, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास 10,000 रुपए ले लो। बोलूंगा कुछ नहीं है। तो मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान के लिए सब कुछ है। तो ये जो बोलना है कुछ नहीं है मेरे पास, वो क्या है, सत्य है। जैसे कभी कभी भक्त लोग बहुत तंग करते हैं, उनके घर वाले मंदिर जाने नहीं देते या कुछ कुछ, तो थोड़ा बोल ही देते कुछ कुछ चीज, है ना, कहाँ जा रहे हो, मित्र को मिलने जा रहा हूं। मित्र कौन है, सुरुदम सर्वभूतानाम, हाँ भगवान ने बोला सबका मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, तो ये जो है वो हम अपने आप को परम सत्य की ओर लेकर जा रहे हैं और उनको परम सत्य से दूर नहीं होने दे रहे। है कि नहीं, सत्य बोल रहे हैं बहुत बार, कभी कभी ऐसे तो गड़बड़ होती है। कभी कभी झूठ बोलना ये सही हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जब बोला कि नरोगा कुंजरोगा, उनको लग रहा था कि मैं पूरा सत्यवादी हूं, सत्यवादी रहना चाहता हूं। कृष्ण ने तो आदेश दिया है कि बोल जाके झूठ द्रोणाचार्य को, वो जो पूछेंगे तुमको ही पूछेंगे अश्वत्थामा मारा है कि नहीं, तो क्या वो मर गया, और वो मरा कौन था, हाथी मरा था, जो अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसको भीमसेन ने मारा था। तो द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर को, तुम सत्यवादी हो तुम बताओ अश्वत्थामा मारा कि नहीं, तो कृष्ण के आदेश था तो उसने हाँ कहा, हाँ मारा। फिर धीरे आवाज में कहा नरोवा कुंजरोवा, मुझे पता नहीं लेकिन वो व्यक्ति था कि हाथी था। तो उसके कारण उनका जो रथ है वो जमीन पर, फिर पहले वो हवा में चलता था थोड़ा, दो उंगली ऊपर वो टच होने लगा ग्राउंड को। तो कुछ लोग कहते हैं कर्मकांडी लोग कि वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला इसलिए ऐसा हुआ।
वो कारण नहीं है, उन्होंने कृष्ण के आदेश को पालन नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, कृष्ण जो है वो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म अधर्म आता किधर से है, उसका फाउंडेशनल पिलर जो है वो कृष्ण है स्वयं। अगर वो बोलते हैं कुछ करना है तो वही धर्म होता है, उनके कहने के विपरीत करना मतलब अधर्म है। तो इन्होंने अधर्म पालन किया इसलिए वैसे हो गए। तो शास्त्र में अनेक उदाहरण है, हनुमान, भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, आप इनकी वाणियों को सुनिए। कभी कभी जब हम पढ़ते हैं कुछ चीजों को, जैसे मेरा फेवरेट सेक्शन है वो है जब भगवान रुक्मिणी को हरण कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारी वर्षा होती है उनके ऊपर अस्त्र शस्त्रों की, तो रुक्मिणी डरी रहती है। तो उस समय भगवान उससे बात करते हैं, रुक्मिणी से, वो छोटी लड़की है, पता नहीं 8 या 12 साल की रहेगी वो शादी के समय। तो भगवान उससे बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं उससे, वो अगर आप पढ़ेंगे आप कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाएंगे। बात करने का तरीका है भगवान का, वैसे ही भगवान रामचंद्र की वाणी अगर आप सुनेंगे वो कैसे बात करते हैं, इतना उनको प्रक्षुब्ध किया जा रहा है कभी कभी लक्ष्मण के द्वारा या परशुराम जी के द्वारा या अलग अलग, लेकिन उनका अपना बात करने का तरीका है, वो कैसे वाक्य बोलते हैं। तो ऐसे नहीं कि भगवान दूसरों को बता रहे हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, वो खुद पालन करते हैं, इसलिए वो बेस्ट लीडर है सबके लिए। तो ये रहा वाचो वेगम पे थोड़ा और विवरण जो मैंने पिछले समय नहीं लिया। अभी हम जाएंगे पुस्तिका में उपदेशामृतम, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं, पहले क्या देखा हमने, वाचो मनस और क्रोध। तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले कि मन के साथ डील करना है तो क्या करना है, क्रोध आता है तो क्या करना है, वाचो एकदम पर नियंत्रण करना है तो क्या करना है। ऐसे ही आज हम देखेंगे कि जिह्वा उदर उपस्थ, इनके वेगों पर नियंत्रण लाने के लिए क्या करना है, ये वेग उत्पन्न कहां से होते हैं, फिर ये प्रकट होते हैं तो उनको रोकना कैसे है, और इनको अच्छे से सेवा में संलग्न करना कैसे है, इसका वर्णन। तो पढ़िए पेज नंबर 7 सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, जहां तक जीप के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीप सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीप को उसके इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो वह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। हरे कृष्णा। जीप के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करे। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीभ के वेग हमेशा हमारे वश में हो सकते हैं। तो पहली बार मैंने जब यह वाक्य सुना था कि भक्त तभी खाता है जब उसको कृष्ण प्रसाद देते हैं, बहुत इसका मेरे को बहुत प्रभाव हुआ इस वाक्य का, मैं फैनेटिक हो गया था उसके कारण। मेरे टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी में काम करता था, वहां पे हम सुबह पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, फिर थोड़ा सा कुकिंग, फिर 11-12 बजे निकल के जाते थे हम कंपनी के लिए, और रात को 9-10-11 को आते थे कभी कभी, और दूसरे दिन वापस फुल मॉर्निंग प्रोग्राम, फुल ऐसा स्केड्यूल था। तो कुकिंग के लिए बहुत कम टाइम था, एक ही बार कुकिंग कर सकते थे, उसमें भी पूरा दिन भर का कुकिंग, तो ऐसे ही काम चला रहे थे कुछ तो। और रविशंकर ने मुझे कहा था कि तुम कंपनी में खा सकते हो, वो जो कैंटीन होता है वहां पे, लेकिन मैंने ये वाक्य पढ़ा था, कृष्णा जब प्रसाद देंगे तभी खाने का, जो प्रसाद नहीं हो खाने का नहीं, मुझे हो जाए। तो मैं ऐसे सुखड़ा हो गया था एकदम, मतलब 20 किलो वजन कम हो गया रहेगा मेरा, बहुत पतला। तो आदेशन गुरु ने पूछे क्या ये ऐसे क्यों दिख रहा है, तो मैंने बोला प्रभु जी प्रसाद इज अ प्रॉब्लम, और तुमको बोला ना मैंने वहां कम से कम राइस लो, थोड़ा गर्द डाल के या जो दही भात बना के खाओ, कुछ तो करो, नहीं नहीं खाएंगे। तो राधेश्याम गुरु ने बोला ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हमारे IYF के हिस्ट्री में, इस्कॉन यूथ फोरम के हिस्ट्री में पहला कुक आया, तब तक हमारा कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि कुक करके बंगाल से कोई लाते हैं फिर व्यंजन बनाएंगे हमारे लिए, सब लोग हम ही मैनेज करते थे, हमारे जो सेटअप्स होते थे यूथ प्रोग्राम्स सारे। तो उसका नाम था वापी,
और ये यम यम वापी स्मरण भावम, ये इसको कुकी की नहीं आता था कुक करके आया तो मैंने ट्रेनिंग लिया कि कुकिंग, मुझे ज्यादा कुकिंग नहीं आता, एक 5 से लेकर 15 लोगों का प्रसाद मैं 3 दिन तक बना सकता हूँ, उसके बाद मैं कोलैप्स होता हूँ, उतना मेरा कैपेसिटी। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा हो गया सिस्टम, उसके बाद बहुत जगह पे बहुत सारे कुक्स आ गए अलग अलग, तो वो भक्त भी मुझे धन्यवाद देते थे तुम्हारे कारण आए सब लोग लेकिन वो मुझे ऐसा लगा कि भगवान कुछ देर तक टेस्ट लेते हैं और अगर हम उसको पास करते हैं तो सुविधा बना देते हैं ऐसी जो सबके लिए हितकारक हो जाए, उस टेस्ट को अगर हम पास करते हो। और ये जो है ये हमें जानना चाहिए कि खास करके जब हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों के बीच में चुनाव करना होता है तो कहां पे हमको टेक लगानी है, शुद्धता की ओर, अशुद्धता की ओर बहुत टेक लगाते हैं हम लोग, तो प्रयास करना चाहिए कि इस साइड में झुके, इस साइड में नहीं, गलती करना भी है थोड़ा तो इस साइड में जाके करें, इस साइड में जाकर नहीं। तो ये है He will eat only when Krishna gives him prasad। गलती हो सकता है ना कभी कभी, जैसे व्यक्ति बीमार पड़ता है या कभी कुछ थोड़ा समाज में उत्पात मच जाता है उसके उसके स्टैंडर्ड्स के कारण गलती होती है ना। Not positive effects with respect to communication। Yeah, any effects on his health, his community, his थोड़ा गड़बड़ होता है ना 19-20 भक्तों से। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के उत्पात मचाने के लिए ऐसे करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी पता नहीं है कि क्या करने से मेरी शुद्धता टिकी रहेगी तो हम कर सकते हैं। अच्छा है अगर आप डू द राइट थिंग एंड लीव द राइट इंप्रेशन, जो योग्य है वो करते हो और साथ साथ में उसका सही संस्कार छोड़ते हो लोगों के मन मन के ऊपर, तो दोनों जरूरी है, ऐसा अगर हम करते तो बेस्ट है। तो जीवा का स्वभाव क्या है, वो हमेशा स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहती है और इसीलिए आगे थोड़ा 2-3 पन्नों के बाद आप देखोगे कृपा जी कोट करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तात्पर्य को, वो है पेज 11 है दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणी में बांटी जा सकती है, जीभ, उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकता है। जहां तक शरीर का संबंध है यह देखा जा सकता है कि तीनों इंद्रिया प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीभ से होता है। यदि हम जीभ की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दे तो उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकताएं स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। इसके संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शरीराभिज्ञाचा जड़ेन्द्रियता हे का जीव फैले विषय सागरे तार मध्ये जीवाते लोभमाय सुदुर्मते ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयावाय करि बारे जीवा जाय स्वप्रसाद न विलोभाय संयन्नामृत खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताय। हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल है। हरे कृष्णा, क्या वाक्य है वो वापस पढ़ो। हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीभ अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। भुक्कड़ इस संसार में जीभ को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्णा, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीभ को जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है, अतएव हम भरपेट यह प्रसाद ले और श्री राधा तथा कृष्ण का गुणगान करें और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद का प्रेम से आह्वान करें। तो ये जो प्रार्थना है, जब प्रसाद लेते हैं पाते हैं उस समय बहुत ही सचेत रहकर गानी चाहिए,
इसको ऐसे फिलर के जैसे यूज नहीं करना चाहिए, मेरे और प्रसाद के बीच में ना ये प्रार्थना है बस। ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत ही ध्यान पूर्वक इस प्रार्थना पर अर्थ के ऊपर ध्यान करते हुए इसे गाना चाहिए। कुछ कुछ लोग वो प्लेट लेते ही चालू हो जाते हैं, लाइन में लगते ही चालू होते हैं, महाप्रसाद है गोविंद राम रण, तो प्लेट हाथ में आता है, चिरा उद्या सारे आइटम आ जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बैठ जाते नीचे, हरे राम 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 राम, पूरा टाइम मैनेजमेंट। तो ये ठीक नहीं है, शिवराव उद्याल आई एम गो नाइट इट ऑल। तो इसीलिए प्रसाद के बारे में खास करके हम सबको, हम तो लालयित है, मतलब वो कुछ को डाउट ही नहीं है कि वी आर मोस्ट ऑफ अस आर प्रसादम केस, उसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि प्रसाद के कारण ही हम टिके हैं भक्ति में, कम से कम मैं तो टिका हूं। लेकिन प्रसाद के प्रति जो सराहना है वो हृदय में धारण किए बिना प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो मैं कह रहा हूं। जैसे एक पुस्तक है तरु प्रभु का, उसका नाम है प्रसाद के एडिक्ट, प्रसाद के प्रति एडिक्ट को क्या बोलते हैं, व्यसनाधीन व्यक्ति का आत्मचरित्र, द रियलाइजेशंस ऑफ अ प्रसादम एडिक्ट, उसके साक्षात्कार। वो पुस्तक में वो लिखता है कि प्रसाद में ऐसी क्षमता है कि गया गुजरा व्यक्ति, जो हिप्पी भी हो, जिसका इंद्रियों पर मन पर कोई नियंत्रण ना हो, वो जब प्रसाद के संपर्क में आता है तो उसकी सारी पांचों इंद्रियां, आंख कान जीभ नाक त्वचा सब कुछ, साथ में उसका मन, वो परम सत्य में ऐसा लग जाता है मानो उसने समाधि अवस्था प्राप्त कर ली हो। आप समझ रहे हो, गया गुजरा व्यक्ति ऐसे स्तर को प्राप्त करता है जो परिपूर्ण समाधि है, कब, प्रसाद खाते समय। उसको समाधि का अर्थ क्या है, सम्यक रूपेण अभियते अस्मिन् आत्मतत्वम् अनामयम्, मन और इंद्रियों को पूरी रूप सर्वतोपरि पूरा पूरा लगा देना परम सत्य के अंदर। तो प्रसाद क्या है, कृष्ण, स्वयं कृष्ण जो अन्न के रूप में आए, अन्न है पूर्ण ब्रह्म, अन्न है कृष्ण। तो ये जो है प्रभु के साक्षात दर्शन, प्र सा द, तो हम प्रसाद मतलब कृष्ण को पा रहे हैं, और इसीलिए बहुत ही सतर्क रहकर उस सेवा के रूप में, हम कहते हैं ना प्रसाद सेवा, हम प्रसाद का उपभोग नहीं लेते, हम प्रसाद की सेवा करते हैं। तो जब हम प्रसाद चख रहे हैं तो क्या सोचना चाहिए कि इस व्यंजन को कृष्ण ने जब चखा रहेगा उनको कितना आनंद आया रहेगा, क्या सोचते हैं हम कि कृष्ण ने इस व्यंजन को जब चखा रहेगा तो उनको कितना आनंद आया रहेगा, और इस व्यंजन में कृष्ण की लार है जो अत्यंत मधुर है, उसको मैं चख पा रहा हूं इसीलिए इतना स्वादिष्ट मुझे लग रहा है। यह दिस इज मेडिटेशन, यह ध्यान है प्रसाद पाते समय। प्रभुपाद जी 45 मिनट एक घंटा लंच लेते थे, कोई है ऐसा व्यक्ति हाँ आराम से बैठकर किसी किसी वॉल को चेहरा दिखा के अपना, किसी बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते थे, और पूरा मग्न होकर प्रसाद लेते थे, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा है, प्रसाद सेवा। तो ये हुआ ये श्लोक के बारे में वर्णन, इस गीत के बारे में, और उसको कैसे हमें अपने जीवन में धारण करना है, इसके अर्थ को। ऐसे अगर हम प्रसाद लेते हैं तो साइंटिस्ट लोगों ने भी आजकल दिखाया हुआ है कि अगर आप खाते समय आपकी जिह्वा जिस रस का आस्वादन कर रही है उसके ऊपर ध्यान देते हो तो जो पाचक द्रव्य है वहां से लेकर पूरा आपका सिस्टम जो उसके साथ आदान प्रदान करना चाहिए वो सारा वैसा होता है शरीर में, क्योंकि मन वहां पर है, और उसके द्वारा केवल अन्न पचता ही नहीं, वो वास्तविक पोषण और वास्तविक सत्व चेतना में शुद्धि आपको प्रदान करता है। सो ये बहुत बड़ा टॉपिक, माइंडफुलनेस इन ईटिंग लोग बोलते हैं। तो कभी कभी हमारे भक्त प्रसाद पाते समय किताब पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल पे चलता रहता है कुछ कुछ, तो ये अच्छा नहीं है। एक बार मैं वृंदावन में प्रसाद पाते पाते कृष्ण बुक पढ़ रहा था साथ में, तो हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के इंचार्ज है प्रभु जी,
विश्वरूप रूप। प्रभु कृष्ण आपके सामने एक रूप में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको पूरा ध्यान दो चलेगा। उन्होंने कहा दो दो जगह ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुमको। तो ये वी हैव टू टेक प्रसादम एज मेडिटेशन, दैट इज द पॉइंट, कि ये ध्यान है भगवान के कृपा के ऊपर किया गया। लेक्चर लगाकर प्रसाद लेते हैं चलेगा क्या? इसके अनुसार नहीं चलेगा अभी जो चर्चा की हो, लेकिन आपका मन वो अष्टावधानी है और उसको बहुत सारे चीज एक साथ करने में बहुत मजा आता है, तो फिर पता नहीं आपको क्या करना चाहिए। लेकिन बेस्ट है बड़बड़ ना करें, कुछ सुने नहीं कुछ नहीं, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन कुछ लोगों के अंदर वो क्षमता ही नहीं रहती है, प्रज्वल को तुरंत चालू कर देते हैं खाने पर बैठने के बाद, तो ठीक है कम से कम सुनो भागवत, बड़बड़ मत करो। और वर्ड ने बोला था शेड्यूल्ड टाइम, आपने उसी टाइम पर खाना है। पहला है कि भूख लगने के बाद खाना है, टाइम है कि नहीं वो अलग बात है। और दूसरा है डोंट ईट इन रेस्टोरेंट्स, होटल में और मिठाइयों की दुकान में मत खाओ। ये भक्तों को बोलना पड़ता है कभी कभी। आजकल क्या हो गया है हमारे मूवमेंट में ना एक नया वेव आ गया है, वो है बी प्रैक्टिकल प्रभु वेव, उसका नाम है। तो लोग बोलते हैं कि अरे ये सब कौन पालन कर सकता है, कभी ना कभी तो 19-20 हो ही जाता है तो खा लो। लेकिन मरने का जब समय आए तो कदाचित हम थोड़े नियम तोड़ देंगे, क्योंकि शरीर को बचाना इसलिए जरूरी है ताकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। लेकिन अन्य समय हम ऐसे काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर जो खाना बनाया जाता है दिखने में तो बहुत ही अच्छा सेटिंग उसका रहता है, स्वाद में भी शायद अच्छा रहता है, लेकिन उसके पीछे जो चेतना होती है वो बहुत ही भोग वृत्ति का वर्धन करने वाली होती है। और इसलिए वो बिजनेस माइंडेड वृत्ति को लेकर जो बनाकर खिलाया जा रहा है उसको अगर हम खाते हैं तो हमारी भी ऐसी ही भावना होती है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, जितना आहार शुद्ध बनेगा उतना चेतना शुद्ध होगी। और इसलिए आइडियल क्या है, आदर्श क्या है, भक्तों के द्वारा खेती किया गया, बीज बोया गया, भक्तों के द्वारा सींचा गया, भक्तों के द्वारा काटा गया, भक्तों के द्वारा पकाया गया, भक्तों के द्वारा ऑफरिंग किया गया, भक्तों के द्वारा सर्विंग किया गया और फिर भक्तों के द्वारा प्राप्त किया गया। तो ऐसा जो पूरा सीक्वेंस है, अगर वो वाला वैसा प्रसाद मिले उसके द्वारा जो चेतना का वर्धन हो वो क्या हो। लेकिन हम ये पूरा साइकिल में बीच में कहीं तो चालू कर रहे हैं, काटने से चालू कर रहे हैं, लाके बाहर किसी ने बनाया था हम लेके आए उसको, फिर व्यंजन बनाना और भगवान को भोग चढ़ाना। लेकिन पूरा साइकिल जिस दिन हम करने लगेंगे उतना ज्यादा हमारे चेतना की प्रगति होगी। तो ये जो पुस्तक मैं बोल रहा था तरु प्रभु का, रियलाइजेशंस ऑफ अ प्रसादम एडिक्ट, ये मैं आपको ईमेल पे भेजूंगा, इंग्लिश में है, माफ करना आपको भाषांतर करने के लिए समय नहीं है। उसमें बहुत सारे कथाएं हैं सब प्रसाद के बारे में कि प्रसाद का क्या प्रभाव है लोगों के ऊपर। मैंने कहानी बताई थी शायद आपको, अमेरिका में एक ऐसे एक गली थी, वहां से गुजरते थे भक्त, तो वहां के गली का एक गुंडा था, एकदम हट्टा कट्टा व्यक्ति था, तो वो हमेशा उसको गुस्सा आता था हरे कृष्ण कीर्तन देखकर, पकड़ के धुलाई करता था डिवोटीज की। तो एक सुगड़ा भक्त था मेरे जैसे ही चश्मा वाला, तो उसने उसको पकड़ा मारने वाला, उसने बोला वेट, उसने कुकीज का पैकेट निकाला, इसको पहले चक्के देख। तो फिर उसने लिया और खाया, वो पूरा खत्म किया, और है क्या तेरे पास। तो उसने जो भी था वो सारा प्रसाद दे दिया उसको, फिर उसने छोड़ दिया। तो उस दिन संकीर्तन हो गया उस गली में, तो उसके बाद ये सारे भक्त उसी गली में जाते थे, तो उसके साथ ही पंगा लेते थे। तो उसको भी पता चल गया प्रसाद किसके पास रहता है, तो उसको ही पकड़ देता पीटने के लिए। तो तुरंत अपना एक क्या कहते हैं उसको हफ्ता लिखा। ऐसे करते करते प्रसाद पाके उसकी चेतना में इतना परिवर्तन आया, वो वापस हरे कृष्ण मंदिर में आया, उसने टेंपल ज्वाइन किया, बहुत अच्छा प्रशिक्षण लेने के बाद वो अच्छा भक्त बनाया, फिर आगे जाकर उसी टेंपल का प्रेसिडेंट बना। किसके कारण? प्रसाद, केवल प्रसाद।
तो इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, जो प्रसाद पाता है उसकी सारे दुखों की हानि होती है। प्रसन्न चेतसो नाशु, चित्त प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि परेव तिष्ठते, बुद्धि ठिकाने आ जाती है उसकी। हमने देखा है कभी कभी हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, मंगल आरती, शिक्षाष्टकम, सोलह वाला जब गुरु पूजा, भागवतम करते करते वो दिमाग गर्म हो जाता है, इंजन गर्म हो जाता है। कभी कभी इतना लगता है कि किसने लाया मेरे को भक्ति में, क्यों तंग कर रहे लोग इतना। लेकिन जैसे ही वो हमारा फेवरेट प्रेयर है, महाप्रसाद गोविंद ब्राह्मण वैष्णव, तो आदमी एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। वो प्रार्थना सुनते ही उसको ऐसा लगता है कि क्या मेरा जीवन बाहर आ गया अभी। और उसके बाद वो प्रसाद पाता है तो क्या होता है, सर्व दुखानां हानि ही, हाँ, सारे दुख चले जाते हैं जीवन से। प्रसन्न चेतस, खुश हो जाता है वो व्यक्ति, और बुद्धि परिवर्तिष्ठते, ठिकाने आती है बुद्धि, वो सोचता है कि अभी मैं भक्ति करूंगा, माया से नहीं डरूंगा, तो ऐसे उसको लगने लगता है। उसके बाद आप में से कितने लोगों को यह अनुभव है, वर्णन किया हो कि ऐसे होता है प्रसाद के कारण। रूपा जी कहते थे इस्कॉन बुलेट्स, गुलाब जामुन, उसको रखते थे एक जार में बनाकर। उन दिनों में हिप्पी लोग कभी कभी रोज सुबह उठो, ठंडे पानी से नहाओ, धोती बेडशीट पहन के घूमो नाचो, उनको थोड़ा तकलीफ होता था। वो तो बोलता था ये क्या है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसको, आज वापस मेरे को वापस स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब चालू करना है। लेकिन वो जाते भी थे बाहर तो लगता था नहीं, वो जो इस्कॉन बुलेट है वो वापस कभी मिलेगी नहीं, मतलब गुलाब जामुन। तो लोग वापस आ जाते थे मंदिर में, बोलते अगला संडे फिश करके ही जाऊंगा, ज्यादा भी माया में तो पहले नहीं जाऊंगा उसके पहले। तो ऐसे करते करते कितने सारे संडे फिश अटेंड करते करते वो भक्त बन जाते थे बाद में। तो मैं इतना वर्णन क्यों कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि प्रसाद पाने के पहले प्रसाद की सराहना करने वाले कुछ वक्तव्य हम बोले, ये हमको प्रण लेना चाहिए। जैसे एक राधा दामोदर बस पार्टी थी, उसमें प्रण था कि प्रसाद लेने से पहले हर एक भक्त जो बैठा है लाइन में प्रसाद लेंगे, उसने एक एक ग्लोरिफिकेशन बोलना है प्रसाद का, और भी खा सकता है। और हर एक भक्त अपना अपना कुछ कहता था, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट टेक प्रसादम, इस जीवन में और अगले जीवन में खुश रहना चाहते हो प्रसाद पाओ। कुछ भक्त कहते थे कि ये प्रसाद जो है वो कृष्ण ही है, हमारे समक्ष उपस्थित है ताकि हमारे जीवन के सारे दुविधाओं को दूर करें। तो ये हमें अपनाना चाहिए। उनका एक फेवरेट सॉन्ग था वो दादा दामोदर बस पार्टी के ब्रह्मचारियों का, प्रसादम प्रसादम वे वांट प्रसादम, उसका इंग्लिश लिरिक्स था वो, और सब गाते थे उसको पहले। सागर संगीत बजा के, थाली पर चम्मच बजाकर, उनका वो कल्चर था, उनका अप्रिसिएशन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसाद पाने का प्रण लेना है, प्रसाद ही पाऊंगा। दूसरा, प्रसाद प्राप्त करते समय प्रसाद के प्रति सद्भावना अप्रिसिएशन बढ़ाना है, और उसे पूर्ण ध्यान देकर मेडिटेशन के रूप में प्राप्त करना। और तीसरा कि प्रसाद बांटना है लोगों को, सिर्फ खाना नहीं है। तो जितना हो सके, आपको ज्यादा प्रचार नहीं करना आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने सोसाइटी में दो प्रोग्राम चालू करो, बोलो ये सैटरडे को शाम को 6 से 7 हम लोग आधा घंटा कीर्तन करते हैं, और उसके बाद द्रोण हलवा खीर या कुछ प्रसाद वो बांटते हैं, एक द्रोण सबके लिए। आप देखो दो भी चीज करेंगे लोग, जिह्वा से कृष्ण नाम का उच्चारण और प्रसाद का आस्वादन, उनका जीवन परिवर्तित होगा। ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं, वैसे भी कलयुग के जीवन के दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, कितना भी प्रचार करो। तो इसलिए ये दो प्रोग्राम है, आप कोई भी कर सकते हो अपने सोसाइटी में, आपको उसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अभी देखेंगे आगे वर्णन, रसों का वर्णन आता है। पढ़िए, रस 6 प्रकार के होते हैं, और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीभ के वेग से नियंत्रित हो जाता है,
कुछ लोग मांस मछली केकड़े अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मूल शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तु के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी सब्जी पालक वर्णन ये कैसा लगता है ना, ये वैसे खा कैसे सकता है इस चीजों को व्यक्ति। पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन यह सब जीभ के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। हाँ, तो पहले प्रभु ने तमोगुणी आहार का वर्णन किया, फिर सत्वगुणी आहार का वर्णन कर रहे, लेकिन क्या कह रहे हैं, दोनों खा किस लिए रहे, जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए खा रहे हैं। तो ये दोनों आहार कैसे माने जाते हैं, जिह्वा वेग के प्रकटीकरण माने जाते हैं। तो दोनों को रोकना है तो वो बोलेगा खाना ही नहीं है क्या फिर, नहीं वो बताएंगे आगे। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है कृष्ण बाणामृत व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। ये रजोगुण आहार का वर्णन है। कभी कभी भक्त लोग किसी प्रोग्राम में आप जाएंगे तो बहुत सारा मसाला डाला हुआ या तेल डाला हुआ हम प्राप्त करते हैं, वो रजोगुणी है, तो उसको भी हमें टालना चाहिए। पान हरी तकी सुपारी तथा पान मसाला तंबाकू एलएसडी गांजा अफीम शराब कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये तो महातमोगुण है। पहले तमोगुण था, फिर सत्व था, फिर वापस रजस था, फिर महातमा। पान भी तो भगवान को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन हम महाप्रसाद नहीं खाते, वो बांटते हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड को देते। पान ही नहीं खा सकते, चूना का बात बांधना। इंग्रेडिएंट्स में शायद चूना नहीं लगाते, लेकिन वो खाते नहीं हम, महाप्रसाद के रूप में हम नहीं ग्रहण करते उसको, हम बांट देते हैं दूसरों को। हाँ, तो हमको अगर जनकनाथपुरी में अगला जन्म मिलेगा हम पंडा बनेंगे तो हम खा सकते हैं। हाँ, नहीं सुनाई दिया, हमें नहीं लेना चाहिए, मैं बोल ही रहा हूँ, पान नहीं खाना है हमको, किसी भी प्रकार से नहीं खाना है, हम उस स्तर पर नहीं है, क्योंकि वो हालांकि वो आध्यात्मिक वस्तु है, लेकिन हमारे ऊपर उसका भौतिक चेतना में अलग असर होता ही है। जैसे मैंने उदाहरण कहा था कि हालांकि प्रसाद प्रसाद ही होता है, हम कहते हैं ना प्रभु जी थोड़ा फ्रायम्स खरीद करके बाहर से मैंने भोग चढ़ा के खा के खा लिया, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो किसने बनाया था फ्रायम्स, उसकी चेतना का असर हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हम ट्रांसेंडेंटल नहीं है, डेटिस ट्रांसेंडेंटल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा था ना शुद्धम अपाप अविद्धम, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें फर्क पड़ता है उस चीज का। जैसे कभी अगर हम स्टेल फूड खाते हैं बीमार पड़ते कि नहीं पड़ते, क्या हम रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुकरण कर सकते हैं, वो ऐसे गाय के द्वारा फेंका गया हुआ जगन्नाथपुरी में कचरे से उठाकर धोकर खाते थे, क्या हम कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते, क्योंकि हम बीमार पड़ेंगे। ऐसे ही हमारी चेतना बीमार पड़ेगी जब हम ऐसे किसी भी चीज को ऑफर करके खाते हैं। तो सरल बात है, जब हम प्रवास करते हैं या कहीं दूसरे देश जाते हैं तो हमें साथ में कैरी करना चाहिए थोड़ा, और अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो फ्रूट्स मिल्क स्प्राउट्स डेट्स खजूर ऐसे आइटम्स ले सकते हैं। पोहा दही पोहा बनाने में 2 मिनट नहीं लगते हैं, तो ऐसे अलग अलग व्यंजन हैं जो सरल है बनाना, ऐसे सीख ले सकते हैं। रूपा जी अपना वो 3 टायर कुकर लेके गए थे ना अमेरिका जब गए थे, तो नीचे वाले में शायद दाल क्योंकि वो टाइम लेता है पकने के लिए, फिर ऊपर में राइस, उसके ऊपर में सब्जी और वो मिक्स थोड़ा, और उसके टप पे थोड़े कुछ आलू वगैरह लगे होते थे, फिर उसको कुकर में डाल के एक साथ सब रेडी, हाँ राइस दाल सब्जी चपाती पूरा का पूरा। तो प्रभा जी का स्टाइल था, और 30 मिनट में बना देते थे, 30-35 मिनट में प्रभा जी पूरा। तो प्रभा जी ऐसे नहीं कि हमको बता रहे, खुद पालन करते थे ये सब चीजों को, और खास करके हमारे जो नातेवाईक होते हैं वो कभी कभी बोलते क्या तुम लोग हरे कृष्णा वाले इतने सारे नियम पालन करते हो, कैसा जीते हो हमको समझ में नहीं आता। तो हम उनको बोल सकते हैं कि ये आपके लिए लागू नहीं है, हम आपके ऊपर थोप नहीं रहे इसको, मैं आपके जब घर में आऊंगा तो इस प्रकार से बना दो हम सब खाएंगे, उसको बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कभी बाहर जाते कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए, होटल में ले सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होटल में जाना ये डिफॉल्ट सेटिंग नहीं बना सकते, समझ रहे हैं आप? कैसे नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना है, कभी लेना पड़ता है तो लेते हैं। कृपा जी कहते हैं जब आप पैसे देते हो किसी अन्य वस्तु को खरीदने के लिए तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है, उसका कर्म आपको लेना नहीं पड़ता उस वस्तु का, क्योंकि क्रय विक्रय के साथ वो नष्ट हो जाता है। तो उस समय हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि उसने किसी ने खाया हुआ है ऑलरेडी वो, तो क्या करते हैं, सिर्फ 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके इसके अंदर जो विकर्म है उसको निकाल दो, मैं आपको ऑफर नहीं कर सकता इसको, इसलिए प्लीज माफ करो मुझे, लेकिन इसका कोई बुरा असर मेरे चेतना पर ना पड़े, इतना बोलकर हम उसको श्री विष्णु करते हैं। ऐसे श्री विष्णु करना मतलब क्या है कि श्री विष्णु बोलकर खा लेना। सो ऐसे हम करते हैं। तो ये व्यावहारिक बातें हैं, एक है स्टैंडर्ड है और कभी कभी उसका एक प्रैक्टिकल नतीजा होता है, लेकिन ये कहना कि ये आए दिन हम बाहर जाते हैं बिस्किट यहाँ वहां से लाके कुछ भी खा लेते हैं वो अच्छा नहीं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए अगर घर में बच्चे हैं बूढ़े हैं तो हमारा ऑफरिंग का टाइमिंग्स, हम कितना हमारे सारे भक्ति के कट्टर नियमों को उनके ऊपर लादते हैं, वो थोड़ा ज्यादती नहीं करना चाहिए लोगों के ऊपर, हमको खुद को पंक्चुअल रहना चाहिए, प्लानिंग अच्छे से करना चाहिए, सिस्टम बनानी चाहिए ताकि लोग चिल्लाए ही नहीं हमारे ऊपर, मेक माई सिस्टम, तो सबकी इच्छा या जरूरतों को सही टाइम पे आप पूर्ति कर सकते हो। तो 6 रस है, क्या है वो? कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष, भगवान बोलते हैं। तो ये रस है, जैसे कटु क्या होता है? कार्ल। अम्ल क्या होता है? अमसूल, अमचूर। लवण क्या होता है? सॉल्टी। तुरट वो तीक्ष्ण, जैसे आंवला, नहीं तीक्ष्ण का उदाहरण है जिंजर। उष्ण मतलब चिली, मिर्ची। रुक्ष मतलब तो ये जो है 6 रस है, जब ये 6 रस हमारे जिह्वा को कंट्रोल करते हैं तब हम जिह्वा वेग के शिकार हो जाते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो जिह्वा जो है हालांकि 2 इंच बाय 4 इंच का छोटा जो भी है मांस का टुकड़ा, लेकिन ऐसा नाच नचाता है व्यक्ति को, लोग चिंचवड़ से लेके स्वारगेट तक मस्तानी आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। कौन खींच के लाया उसको? जीवा खींच के लाई उसकी। या फिर कभी कभी इसकी तुलना की गई है, जैसे जहाज होता है बहुत बड़ा, उसमें एक रडार होता है, और रडार तो छोटा ही होता है, लेकिन वो रडार के साथ बाकी सिस्टम जुड़े ऐसे होते हैं कि वो जैसे ही रडार हिलता है वैसे वो पूरा जहाज हिलता है, उसको ट्रिम टैब बोलते हैं उनके लैंग्वेज में। हाँ, सुकाणु हुकाणु। तो ऐसे ही जीवा क्या है? एक ट्रिम टैब है पूरे बॉडी का, ये जिधर जाता है वो पूरा व्यक्ति चला जाता है। तो जो बड़बड़ हम करते रहते हैं वारंवार जिस प्रकार के, अगर निगेटिव टॉक करते हैं तो निगेटिविटी में जाते हैं, अच्छे बात बोलते हैं कृष्ण माना के बारे में चर्चा करते हैं उधर चले जाते हैं, ऐसे ही स्वाद के बारे में जिस प्रकार के स्वाद लेते रहते हैं उस प्रकार के योनि में चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कभी भी हम जिह्वा को ढीला ना छोड़े। ठीक, आगे पढ़िए। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं।
तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ है, जैसा कि भगवान ने स्वयं संस्तुति की है। अभी क्वेश्चन देते हैं प्रभुपाद कुछ। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउएवर, किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्चक विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंस जाते हैं। यदि हम आज तो हमारे लड्डू गोपाल दही भिंडी खाएंगे, क्यों खाएंगे? मेरे को अच्छी लगती है। तो ये इंटेंशन गलत है। आगे तीसरा क्वेश्चन, यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वह स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये तीनों को हमको टालना है, हाँ, ये तीन चीजों को जितना हो सके। चैतन्य चरितामृत अंत्य 6.227 में कहा गया है, जीवेर लालसा जेयेति उतिधाय शिष्णुदर परायण कृष्ण नहि पाए। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जननेन्द्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है वह कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। जैसे मैंने कहा था कि जीवा क्या है, वो रडार है शरीर रूपी जहाज का, द्रुदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवन, बोट है ना द्रुदेह, तो बोट कहाँ जाएगी? जहाँ रडार लेके जाएगा, हाँ उसका। तो ये मनुष्य देह रूपी बोट जो है संसार सागर को पढ़ने के लिए दी गई है, ये जिह्वा के ऊपर आधारित है। तो ये हुआ वर्णन जिह्वा का। अभी उदर उपस्थ का वर्णन साथ में देखेंगे। पीछे जाओ पृष्ठ संख्या 8 पहला दूसरा पैराग्राफ। इसी प्रकार जनेन्द्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप में प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेन्द्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भवित संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेन्द्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावनामृत संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहाँ उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावनामृत भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भवित बच्चों की आवश्यकता है और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जननेन्द्रियों का उपयोग करने दिया जाता है। तो ये उपस्थ वेग की बात हो रही है। जिह्वा और उदर को पहले कंबाइन किया गया था, पेट का और जिह्वा का जो कनेक्शन है वो। जिह्वा क्या करती है? क्वालिटी चाहती है। पेट क्या चाहता है? क्वांटिटी चाहता है। समझ रहे हो ना दोनों में फर्क क्या है? तो जिह्वा चाहती है कि अच्छा अच्छा मिले, पेट चाहता है कि ज्यादा ज्यादा मिले, हाँ तो दोनों से बचना है। तो अभी आ रहा है उपस्थ का वर्णन। जो उपस्थ होते हैं जननेन्द्रिय उनको दुरुपयोग नहीं करना है। तो कैसे नहीं करना है? तो शादी कर सकते हैं और संतान उत्पत्ति के लिए उसको काम में ला सकते हैं। अपूर्वा जी बहुत इतना सारा बोल रहे हैं लेकिन गुरुकुल और बच्चों के बारे में बोलना छोड़ नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चों की जरूरत है जो कृष्ण भावना भवित बने और इसका कार्य आगे चलाएं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इस पैराग्राफ में सब कुछ मेंशन करते समय ये रूपा जी डाल रहे हैं। तो गुरुकुल स्कूल बनाना चाहिए हमको। फिर उसके बाद वापस जाएंगे अगले कुछ पन्नों पर। उदर वेग का वर्णन जो पहले वाला था वहां से आगे पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीभ उदर तथा जननेन्द्रिया एक ही सीधी रेखा में स्थित है और वे एक ही कोटि में आते हैं। पृष्ठ क्रमांक 14 फर्स्ट पैराग्राफ। भगवान चैतन्य ने कहा है, भाल ना खाई दे हार भाल ना एक मिनट हाँ ठीक है भाल ना खाई दे हार भाल ना परी दे
न तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करे न ही स्वादिष्ट भोजन करे। ठीक है, पढ़िए। जो लोग उदर रोग से पीड़ित है वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है। जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं, किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। तो अन्न में भी होता है मित्त भूख, ऋत भूख, हित भूख, तीन प्रकार। मित्त भूख मतलब कम खाओ, अपनी मुट्ठी दिखाओ, वो जो उतना आकार है ना मुट्ठी का, उतना ही पेट के अंदर जो कैविटी है उसका आकार है। लेकिन हमारी प्लेट को देखो, हाँ, जो हम खाते हो, हाँ, अभी वो एक्सपांडेबल है, थोड़ा प्रसरण होता है उसका, लेकिन इतना ही किया, इतना खाए आपको। कभी कभी इतना खाते हैं नाक से भात का ये बाहर आता है वो अति आहार कितना हो सकता है। तो यह है मित्त भूख। मित्त भूख मतलब कम खाइए। जनरली बोला जाता है कि आधा ही खाना चाहिए जितना कैपेसिटी है उसका, और बाकी आधा पानी से और आधा हवा से छोड़ना चाहिए जगह। जैसे कुकिंग भी करते हैं तो पूरा भरते नहीं है ना वो कुकर को टॉप तक, उसके लिए पाचन के लिए जो उष्णता का प्रयोग होगा उस पर कुछ जगह चाहिए उसको। ऐसे ही अंदर कौन है, वैश्वानर भगवान बैठे हैं अग्नि के रूप में, वो भी पचाते हैं उस अन्न को। पचामी अन्नम चतुर्विधम, चारों प्रकार के अन्न को मैं पाचन कराता हूँ भगवान बोल रहे हैं। तो उसको थोड़ा स्पेस लगता है वहां पे सिस्टम को चलाने के लिए, तो उसको कहते हैं मित्त भूख। फिर होता है हित भूख। हमारे शरीर की रचना जो है कफवात पित्त की, उसके अनुसार हमें विशिष्ट प्रकार का भोजन लेना होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, उसको कहते हैं हित भूख। और तीसरा होता है ऋतु भूख। ऋतु के अनुसार लेना चाहिए, जैसे ठंडी के समय कुछ व्यंजन होते हैं। अभी संक्रांति को विशिष्ट यह लगा ना, क्या तिलगुड़ में पूरा एक प्लेट बनता है प्रसाद का, बाजरी की भाकरी, दरगट्टा का शेंगाजी भाजी, दही, सोलकड़ी सर। तो ये जो ये मैंने बहुत साल पहले खाया, अभी भी याद है, देखो कितने संस्कार दूर रहते हैं व्यक्ति को। तो ये जो है ये हमारा कल्चर है कि इस टाइम पे ये खाते हैं उस टाइम पे वो खाते हैं, हाँ, तो उसको पालन करना चाहिए। अभी हम क्या चाहते हैं, आम 12 महीने खाए, कलिंगड़ रोजाना खाए, वाटरमेलन, ऐसे नहीं होता, वो गलत है खाना ऐसे। तो उसको कहते हैं ऋतु भूख, तो इसको हमें जानना चाहिए। और तीसरा चौथा है कंपैटिबल नॉन कंपैटिबल फूड्स, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल करते हैं और कुछ होता है वो साथ में नहीं खाने चाहिए। जैसे कुछ नमकीन खाया तो उसके ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए, या अगर हाँ बहुत ठंडा कुछ खाया तो उसके ऊपर गर्म नहीं डालना चाहिए इत्यादि। हाँ दही और खीर नहीं खाना चाहिए, केला खाकर पानी नहीं पीना चाहिए उसके ऊपर इत्यादि इत्यादि। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है, नहीं तो होता क्या है, जो पचन नहीं होता है वह अन्न आम बन जाता है। आम सुना आपने, आम, आम वो आम नहीं, मैंगो नहीं, आम मतलब एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, विषारी द्रव्य या पदार्थ, ऐसे भी नहीं बोलते उसको, वो एक ऐसा द्रव्य है जो बहुत ही खतरनाक, उसके सारे उसके द्वारा बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर। जो पंचकर्म करते हैं ना उनका वन ऑफ द मेन एजेंडा होता है कि वो आम को निकाल दो शरीर में से। तो अलग अलग प्रकार होते हैं उसके, उसके कारण ही सारे रोग बनते हैं। तो भक्तों में भी बहुत बार जो रोग पाए जाते हैं वो ऐसा कतई संभव नहीं कि वो कुपोषण के कारण है। कोई है ऐसा कि भक्त कुपोषण हो गया उसका? हरे कृष्ण संस्था में इतना खाने को मिलता है, कभी कभी लोग बोलते हैं हरे कृष्णा करके या पेट भरता है क्या तुम्हारा, मतलब भरता नहीं फूटता है। इतना खाने को मिलता है, इधर बोलना पड़ता है लोगों को, उधर उपस्थ वेगम थोड़ा शांति शांति है, इतना खाने को मिलता। ओके, आगे पढ़िए उपस्थ वेगम का वर्णन। जहां तक जनेन्द्रियों के वेगों का संबंध है वे दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित अथवा वैध और अवैध समागम।
जब मनुष्य ठीक से सहना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपने जननेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है, अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषय जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से कामतत्व में लिप्त होता है तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी है। तो उपस्थ वेद का वर्णन है कि वैध और अवैध दो तरीके हैं उनको संलग्न करने के, तो अवैध रूप से उनको कभी भी संलग्न नहीं करना है। और बहुत सारी चीज बता रहे प्रभुपाद जी कि श्रवणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह भाषणम, ये जो ब्रह्मचर्य के ब्रेक्स कहे जाते हैं कि सेक्स लाइफ के बारे में श्रवण करना या उसके बारे में बोलना या उसके बारे में देखना, श्रवणम कीर्तनम केली, केली मतलब ऐसे लूज डीलिंग करना स्त्री और पुरुष के बीच में, केली प्लेफुल, और प्रेक्षणम मतलब घूर घूर कर देखना अपने से भिन्न लिंग के व्यक्ति को, गुह भाषणम मतलब एकांत में बात करना, संकल्पो अभ्यवसायश्च कलि संपत्ति रेवच, संकल्प मतलब ऐसा ठान लेना कि इस व्यक्ति के साथ में समागम करूंगा, अध्यवसाय मतलब उसके लिए प्रयास करना, और कलि संपत्ति मतलब एक्चुअली एंगेज करना समागम की क्रिया में। तो ये आठ जो है ब्रह्मचर्य में ब्रेक माने जाते हैं और इनके कारण प्रभुपाद जी कह रहे हैं वन इज कॉट इन द क्लचेस ऑफ माया, वो माया के जाल में फंस जाता है व्यक्ति जब ऐसे करता है। और ये ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचर्यों के लिए है ये नियम, ये गृहस्थ ब्रह्मचर्य मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी अन्य स्त्रियों की तरफ, इसी या ऑफ कोर्स माताओं के लिए अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों की तरफ, तो शुद्ध भावना से देख पाना और ये सब चीजों को न करना, ये इसमें अपेक्षित है। ठीक है, अभी आगे जो श्लोक आते हैं वो जगदानंद पंडित के प्रेम विवर्त से हैं। ये खास करके वैरागी लोगों के लिए उपदेश दिए गए हैं। वैरागी भाई ग्राम्य कथा नाशुनी बेकाने, वैरागी होने के बाद तुम ग्राम्य कथा कान से सुनो मत। ग्राम्य कथा मतलब क्या है? हाँ, प्रजल को दुनियादारी की चीजों के बारे में चर्चा। ग्राम्य वार्ता ना कही बे जाबे मेले में आने, जिस किसी से किसी को भी मिलोगे तो कभी भी उसके साथ ग्राम्य वार्ता मत करो। स्वपने ओ ना करी भाई स्त्री संभाषण, किसी की स्त्री के साथ स्वप्न में भी संभाषण मत करो। गृह स्त्री छाड़िया भाई असिया छवन, अपने घरवार को छोड़कर वन में जाओ, और वन मतलब क्या? वृंदावन, जहां भगवान का वास हो, धाम हो, वहां जाओ, ये वैराग्यों के लिए है। यदि चाह प्रणय राखीते गौरांग रसने, गौरांग महापुरुष साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहते हो, छोटा हरिदास कथा था के जे न माने, छोटा हरिदास की कथा हमेशा अपने मन में स्मरण रखो। क्या थी वो कथा? छोटा हरिदास ने भिक्षा मांगते समय कुछ क्षणों के लिए विचार चिंतन किया था कि ये जो स्त्री जो भिक्षा दे रही है वो कितनी अच्छी है। तो ये जब वो भिक्षा लेकर आए, उन्होंने खाना बनाकर प्रसाद भगवान को भोग चढ़ाकर उनको चैतन्य महाप्रभु को अर्पण किया, जैसे महाप्रभु ने खाया तो उन्होंने पूछा कि ये शाक किसने लाया है, और बताया गया कि वो छोटा हरिदास ने लाया है। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो है ये वैराग्य पालन करने में चूक गया है, इसने मन में विचार किया है कि वह कुछ क्षणों के लिए इस व्यक्ति के साथ भोग कर सकता है, तो इसलिए उसने जो बनाया है उसमें वो चेतना है। अब देखो भगवान कितने तो उन्होंने उनको क्या किया, छोटा हरिदास को अपनी संगति से निकाल दिया, बोला तुम चले जाओ यहां से, तुम्हें हमारी संगति नहीं मिलेगी।
तो उसके बाद एक साल तक वो छोटा हरदास खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। भक्तों के द्वारा अलग अलग प्रकार से सामने आकर अनुनय विनय कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने उनकी एक नहीं सुनी और भक्तों ने जो है बहुत ही तंग किया चैतन्य महाप्रभु को कि उसको ले लो वापस, वो जिंदा नहीं रहेगा आप ऐसे करोगे। तो महाप्रभु ने कहा वापस अगर ये बात करोगे तो मैं यहाँ से अलारनाथ चला जाऊंगा, जगन्नाथपुरी में रहूंगा नहीं। तो सब भक्त लोग भी डर गए उसके बाद। और ऐसे करते एक साल निकल गया, जब उसको दिखाई पड़ा कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु मुझे कृपा देंगे, तो फिर उसने जाके प्रयाग में त्रिवेणी संगम में आत्महत्या कर ली। और जब आत्महत्या करी तो उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, क्योंकि शुद्ध भक्त ही थे वो, ऑलमोस्ट छोटा सा कलमश था वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्य पार्षद थे, ऐसा नहीं कोई आम व्यक्ति था। तो वो दिव्य गंधर्व के जैसा उनका शरीर था, वो गाते भी अच्छा थे, तो उस शरीर में आकर जगन्नाथपुरी में वास करने लगे वो। और चैतन्य महाप्रभु के लिए वो गाते थे अपने गंधर्व रूप में और चैतन्य महाप्रभु उसको सुनते थे, लेकिन प्रकट रूप में उन्होंने उसको अपना संग प्राप्त करने नहीं दिया कभी भी। तो ये जो कथा है उनके दंड देने की, छोटा हरदासेर कथा, ये इतनी संयुक्तिक या शिक्षाप्रद है खास करके वैराग्यों के लिए, कीजिए ना मने, उसको मन में धारण करो। भाला ना खाई बार, भाला ना परी में, अच्छा अन्न खाओ मत ज्यादा और अच्छा वस्त्र परिधान मत करो। हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा से विवे, हृदय में हमेशा राधा कृष्ण की सेवा निरंतर रूप से करते रहो, सर्वदा से विवे। तो ये जो है उपदेश, ये खास करके वैरागियों के लिए है। कभी कभी जब गृहस्थ लोग होते हैं, किसी शादी में जाते हैं या कोई बड़े फंक्शन में जाते हैं, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छे से ड्रेस करके जाए। वो उनके लिए लागू नहीं है कि भाला ना पड़ी गए। हाँ, मंदिर में भगवान के फेस्टिवल में आते हैं कभी, जन्माष्टमी वगैरह, तो भगवान के सामने अच्छे से आ सकता है। ऐसे नहीं कि मैंने जैसे पहले कहा कि आई एम माई ओन डेटी, अहंग्रह उपासना, कि इतना सही धस के आया हुआ व्यक्ति को लोग भगवान को देखे कि उसको देखे, ऐसा प्रश्न आ रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मॉडेस्ट ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे तरफ जो भगवान देखे तो उनको आनंद मिले, ऐसे ड्रेस करके आना चाहिए। ये कब संभव होगा ये सब चीज? जब हम साधना, सेवा, भक्तों का संग और स्वाध्याय में आनंद प्राप्त करते हैं, तो अपने आप ऐसे क्या कहते हैं, हायर टेस्ट, हाँ, दिव्य आनंद की अनुभूति होने के कारण हम ये छोटे मोटे चीजों के पीछे जाएंगे नहीं हमारे जीवन में। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इसको अपना तात्पर्य जब समाप्त करते हैं तो ये वाक्य लिखते हैं जो है पृष्ठ संख्या 8 पर तीसरा पैराग्राफ। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों को पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य वहां खत्म हो गया, उसके आगे से भक्ति सिद्धांत सरस्वती का तात्पर्य शुरू होता है। अभी देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने तात्पर्य को कैसे समाप्त करते हैं। पढ़िए पेज 16। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीभ, उदर तथा जननेन्द्रिया इन 6 को वश में कर सकता है उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी नहीं ना हो ले तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के पदचिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास है वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं, उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक वर्णन अदांत गो के रूप में किया गया है जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा अदांत गो कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने कहा है,
मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो भूपद्येत गृह व्रतानां अदान्त गोभिर्विशतान्त मिश्रं पुनः पुनश्चरवित चरवणानां। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, नई सभाओं से कृष्ण भावनामृत होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गर्म क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने से उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। तो ये जो आखिरी पैराग्राफ था, निष्कर्ष यह है, जब ऐसे प्रभुपाद कहते तो समझ जाना चाहिए कि सारा जो तात्पर्य लिया था अभी निचोड़ में बताने वाले हैं प्रभुपाद जी, कि हमें क्या बनना है, गोस्वामी। ये पहला स्टेप है आध्यात्मिक जीवन का, सेंस कंट्रोल, इंद्रियों का स्वामी बनना। तो पहले भी हमने चर्चा की थी, एक टाइम पे एक ही जॉब कर सकते हैं, या तो इंद्रियों के दास बन सकते हैं या कृष्ण के दास बन सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं बन सकता है। तो इसीलिए पहला इधर रिजिग्नेशन लेटर डालो, उधर से छूटो, आके अपना जॉब ज्वाइन करो। तो ऐसे ही प्रक्रिया है गोस्वामी बनने की। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं गोस्वामी कैसे बना जाए, इन उपदेशों को पालन करो तो आप जो षड गोस्वामी थे वृंदावन के, उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करोगे और उसके द्वारा भगवान की दिव्य सेवा में सतत संलग्न हो पाओगे। इसके विपरीत में गोदास ये कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, लेकिन इंद्रियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए दूसरा कुछ एंगेजमेंट होता ही नहीं है उनके जीवन में, एक के बाद एक माया नया इंद्रियों का सेवा ढूंढ ढूंढ के निकाल के करते हैं वो। और इनका वर्णन कौन कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज। तो मति ही न कृष्णे, कृष्ण में ऐसे लोगों की चेतना मति कभी नहीं लग सकती, वो कृष्ण भावना भावित हो ही नहीं सकते। परतः स्वतोवा, दूसरों के प्रयास से या स्वयं के प्रयास से, या मिथः मतलब जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुलाकर, वो भी नहीं होता है। अभिपद्ये तो गृह व्रतानाम, इन्होंने क्यों, समस्या क्या है, इन्होंने व्रत लेके रखा है कि मैं ये भौतिक जगत में मरूंगा, सड़ूंगा, झुलसूंगा, लेकिन भोग करके ही करो छोड़ूंगा। इसको कहते हैं गृह व्रत, उसने व्रत लेके रखा है कि मैं भौतिक जगत में ही रहूंगा भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। इसीलिए अदांत, इनकी इंद्रियां कभी वश में नहीं आती। अदांत गो, गोस्वामी के उल्टा शब्द है वो अदांत गो। विषतांत मिश्रम, वो कहां जाता है, वो अंधंतमः प्रवेशन्ति। पुनः पुनः चर्वित चरवणानाम, और वो चबाया हुआ को वापस चबाता रहता है जिसमें से जूस ऑलरेडी निकल जा चुका है। और ये जो है वर्णन, ये प्रह्लाद महाराज 5 साल की उम्र में उनके असुर सहपाठियों को बताए। आप सोचो क्या साक्षात कर रहे हैं प्रह्लाद महाराज का, छोटे से बच्चे, वो बता रहे कि ये काम मत करना, पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। तो एक बार हमारे श्रीधर महाराज आए थे पुणे में, उन्होंने बोला कि आपके ये पुणे का नाम जो है श्रीमद् भागवत में आता है। तो हम लोग सब एक्साइट हो गए, वाओ पुनः पुनः चरवित चरवणानाम कि पुणे के सब लोग जो है पुनः पुनः वही चरवण करते बैठे हैं जो कुत्ते बिल्ली के शरीर के भी वो करते आए थे आहार मित्र भय में। तो हमने बोला ठीक है, समझ में आ गया ठीक। तो कुछ क्विक स्लाइड्स हैं, उसको देखेंगे और विराम देंगे। उदर वेगम, तो हमने देखा कि जिह्वा वेग और उदर वेग में फर्क क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क है। इसमें जिह्वा में उदर में लगता है हंगर और जिह्वा में लगता है टिटिलेशन, तो उसको टिंगलिंग टेस्ट चाहिए कुछ। तो जिह्वा वेग जो है वो उदर वेग को बढ़ाता है और उसके बाद उदर वेग जो है वो उपस्थ वेग को बढ़ाता है, ज्यादा खाने से व्यक्ति अपने जननेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। तो
ज्यादा खाने की इच्छा, ये उदर वेग कहलाता है। पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी खाना छोड़ता नहीं है, और ये मैं खाऊंगा वो खाऊंगा वो खाऊंगा यही सोचता रहता है। रूपा जी कहते क्यों? केवल भगवत प्रसाद खाओ। कभी कभी हम भक्तों को देखते हैं वो अच्छे से प्रसाद खा रहे हैं, तो हमें क्या सोचना चाहिए? प्रभु जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम विषहे तधी रहा, ऐसे बोलना चाहिए उनको? क्या करना चाहिए? हमें आनंद होना चाहिए कि भक्त अच्छे से प्रसाद खा रहे हैं, क्योंकि चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादु अन्न तृप्तान हरि भक्त संघान। जो आध्यात्मिक गुरु है उनको आनंद होता है भक्तों को प्रसाद पाते देख। तो दूसरों की खाने को जज नहीं करना चाहिए, इतना क्यों खाता है, हमने खमकाना चाहिए, हमने हमारे जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए, उदर वेग पर नियंत्रण। कभी कभी फास्टिंग जब हम करते हैं तो पित्त, जिसका पित्त शरीर है कफ वात पित्त, तो एसिडिक होता ना शरीर का, तो उसके कारण जठराग्नि क्या होती है बहुत प्रज्वलित रहती है उस व्यक्ति की। तो अगर वो कुछ डालते नहीं सिस्टम में तो क्या होता है, कभी कभी वो इंटेस्टाइन के अंदर का लाइनिंग को खा लाए, वो जो एसिड निर्माण होता है अंदर वो। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, गर्म पानी पियो और खाओ, चाहिए तो फिर फ्रूट खा लो कोई। तो लेकिन ये भी होता है सच कि अगर थोड़ा जठराग्नि बढ़ता भी है उपवास के दिन, तो वो जो आम होता है ना तो उसको नष्ट करता है, तो उससे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं शरीर से। तो दोनों का थोड़ा डेलिकेट बैलेंस रखना चाहिए, थोड़ा कभी कभी अच्छा है एकादशी या थोड़ा 12 बजे तक कुछ नहीं खाना वगैरह जब करना, लेकिन आप अपने शरीर के सिस्टम को देख कर करिए, ऐसे नहीं कि। A 2-inch tongue can kill 6-feet man. 2 inch की जीवा जो है वो 6 फुट के आदमी को मार सकती है, क्योंकि उसके फूड हैबिट्स ऐसे हैं। तो हरि भक्ति विलास में बताते हैं कैसे खाना चाहिए अन्न, किस सीक्वेंस में खाना चाहिए। तो पहले कहते हैं थोड़ा सा स्वीट खाना चाहिए, फिर सॉल्टी खाना चाहिए, फिर सावर खाना चाहिए, फिर पंजेंट बिटर, फिर उसके बाद लिक्विड फूड्स लेने चाहिए। तो ये हरि भक्ति विलास से है। ऐसे ही अलग अलग जो भारत के अलग अलग रीजन है, जैसे बंगाल है, महाराष्ट्र है, ये है वो है, उनका अपना अपना तरीका है कि कैसे खिलाते हैं। बंगाल की कस्टम क्या है, टेक बिटर फर्स्ट एंड एंड विथ स्वीट। तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कुकिंग रिक्वायर दैट फूड्स बी ईटन इन डिफरेंट ऑर्डर, क्योंकि पकवान बनाए कैसे गए हैं उसके ऊपर भी आधारित रहता है कि किस सीक्वेंस में उसको खिलवाना चाहिए। और खाते समय ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, ऑनर। सही समय पर खाना चाहिए। उदर वेग है हमारा, किसके समझ सकते हैं, खाने के बाद नींद आती है, फील एक्टिव नहीं लगता है, फ्रेश नहीं लगता है व्यक्ति को सेवा के लिए। स्टमक, पेट की बीमारियां होती हैं, अपच होता है, और उपस्थ वेग बढ़ते हैं, और कभी कभी वीर्य स्खलन होता है, तो उसे समझ सकते हैं। तो ये था उदर वेग के बारे में, क्योंकि उसका वर्णन इतना विस्तार से नहीं आया सेग्रीगेटेड टर्म्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, उपदेशानुपत की जय, गौर कृपानंदे।